हेलो गाइज, आप सभी का केमिकल इंजीनियर जीपीएफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश 2023 काउंसलिंग फुल प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है, आप चॉइस फिलिंग अच्छी तरीक़ा से करें और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज भरने से आपको कभी कभी कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। इसलिए देखिए, आज हम रैंक के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, आज हम करके दिखाएंगे, वो भी आपको किसी स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग लाइव करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको यह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चॉइस फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सरकारी रिजल्ट या डायरेक्ट जेई कब एडमिशन NICN साइड को सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको जेई कब की साइड इस प्रकार दिखेगी। ठीक है, इसके बाद हमको नीचे चलना है। देखिए, इस प्रकार से आपको नीचे चलना है। उसके बाद हम ये दिख रहा होगा आपको, जैसे कि ये देखिए, आपको सबसे पहले किसी भी एक उस पर सर्वर पर चॉइस फिलिंग फर्स्ट या सेकेंड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आइए देखिए हम क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने क्लिक किया, देखिए चॉइस फिलिंग सर्वर, हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए। इसके बाद हमने ओके कर देंगे उस पर। देखिए कुछ इस प्रकार आपको खुलने को मिलेगी साइट। देखिए नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देखो ठीक है होने लगा। इसके बाद हमको एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है। क्या डाल लेना है? एप्लीकेशन नंबर। हम देखिए एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है। फिर हमको पासपोर्ट डाल देना। हम पासपोर्ट इसलिए नहीं बता सकते, किसी भी स्टूडेंट के हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। जैसे कि देखिएगा, सिक्योरिटी पिन डालते हैं हम। जो भी हमारा सिक्योरिटी पिन था हमने वो डाल दिया। एक बार चेक कर लीजिए, N3M116। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इन कर देंगे। ठीक है, साइन इन करते हैं। देखिए इस प्रकार कुछ इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको उस जो भी फ़ोन रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आपको OTP आएगी। जैसे कि हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, हम मोबाइल नंबर पर OTP भेज रहे हैं। जो भी नंबर लगाओ उस पर OTP आएगी। देखिए इसके बाद हमको OTP डाल देनी है। देखिए OTP क्या आई है, देखिए T C 6 1 1 4। इसके बाद हमको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको इस प्रकार यह इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको नीचे चलते जाना है। इस स्टूडेंट का नाम सत्यम कुमार है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको आएंगे मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आपको इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रैंक कार्ड भी अपना यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमको सीधे डायरेक्ट जाना है मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉगिन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और आप जल्द से जल्द आज ही कर लीजिए कल तक, क्योंकि लास्ट डेट है कल चॉइस फिलिंग की। यह सेशन सिर्फ 20 मिनट ही खुलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कैंडिडेट प्रोफाइल पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि कैंडिडेट प्रोफाइल देखिएगा, हम खोलेंगे, ये कैंडिडेट प्रोफाइल है। ठीक है, इस प्रकार से इस स्टूडेंट की यह प्रोफाइल है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम चलेंगे अवेलेबल चॉइस फील्ड। देखिए अवेलेबल चॉइस फील्ड पर ऑप्शन पर दबाएंगे। देखिए चल रहा है। इसके बाद आपको यह सभी इंस्टीट्यूट, आप भी ऑल इंस्टीट्यूट, जैसे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें आप यहाँ प्रोग्राम डालें। जैसे इंस्टीट्यूट है आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट डालिए। इंस्टीट्यूट कौन सा है, जैसे कि आपको इंस्टीट्यूट कौन सा चाहिए, जैसे कि उसका नेम डाल दिए यहाँ पर। उसमें प्रोग्राम क्या है, जैसे कि हम डालते हैं, देखिए इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद।
ठीक है, जो भी आप इंस्टीट्यूट डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ से आप प्रोग्राम भी अपना सेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग आपको जितनी भी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। जैसे जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है आप यहाँ से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट की अब चॉइस फिलिंग करते हैं। देखिए अब आएंगे हम चॉइस फिलिंग, जैसे कि न्यू दिख रहा है आपको, ये चॉइस फिलिंग पर आ जाना है, ठीक है। देखिएगा अब आगे हम चॉइस फिलिंग पर, देखिए चॉइस फिलिंग के लिए एंटर योर पासवर्ड मॉडिफिकेशन, आपको यहाँ पर फिर से दोबारा से उसका पासवर्ड डाल देना है। देखिए जैसे कि आप पासवर्ड डालेंगे उसमें तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा, ठीक है। देखिए अब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। देखिए इस छात्र ने भरा है पहले से लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था, इसलिए इसको देखिए अब इसकी जो भी चॉइस फिलिंग है इसके अकॉर्डिंग हम भर देंगे, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले, ठीक है, रिमूव कर देते हैं ये वाली चॉइस फिलिंग। अब जिस छात्र को जो भी कौन सा कॉलेज चाहिए हम उस हिसाब से भरेंगे। देखिए देखिएगा जब ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा से हम पे गलती से वो दब गया है, ठीक है। हम चॉइस फिलिंग दोबारा आते हैं, चॉइस फिलिंग पे आ गए, देखिए ठीक है। हम इसको थोड़ा इस मोड में कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए गवर्नमेंट आगरा, ये आगरा में कोई कॉलेज लेना चाहता है, देखिए आगरा में बात करेंगे हम। इसका प्रोग्राम है देखिएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जो भी कॉलेज हैं यहाँ पे वो आपको दिखने लगेंगे। इसमें से आप जो भी कॉलेज कंप्यूटर साइंस के किस कॉलेज में आप ऐड कर सकते हैं, देखिए जैसे कि शाहजहाँपुर कॉलेज में है, देखिए शाहजहाँपुर कॉलेज में है। देखिएगा हम छोटा कर लेते हैं इसको, ये तो हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से पहले ही। देखिए शाहजहाँपुर में है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इस कॉलेज इस छात्र को आगरा में ये वाला कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, देखिए ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड हो गया हमारा ये कॉलेज। इसी स्टूडेंट को दूसरा कॉलेज चाहिए, देखिए दूसरा कॉलेज हम अब ब्रांच चेंज कर लेते हैं, पहले तो कंप्यूटर ब्रांच थी, अब इस छात्र को दूसरी ब्रांच चाहिए तो दूसरी ब्रांच लेंगे। देखिए फिर देखिए दूसरी ब्रांच, अब कौन सा प्रोग्राम चाहिए इसको, चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में केमिकल, तो केमिकल। आप बड़े ध्यान से भरिए क्योंकि बहुत ही आराम से भरिए, क्योंकि गड़बड़ थोड़ा सा भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए आगरा मनखेड़ा है लेकिन इसको आगरा मनखेड़ा नहीं चाहिए क्योंकि ये फिरोजाबाद का ही छात्र है ज़्यादातर। इसको देखिए ये केमिकल हम फिरोजाबाद की केमिकल भरेंगे, देखिए आ जाएगा, देखो अपने आप, देखो दिखाते हैं अभी को। देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, ठीक है जी, और हम चॉइस फिलिंग कर देते हैं। देखिए से हमारी दूसरी चॉइस फिलिंग क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद। अब इस छात्र की देखिए तीसरी चॉइस फिलिंग है टूडला में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या है टुडला में, सिविल इंजीनियरिंग। देखिए अब सिविल इंजीनियरिंग के देखते हैं इस छात्र के लिए, देखिए और जो सिविल इंजीनियरिंग की जो भी कॉलेज होंगे वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। देखिए गवर्नमेंट पॉइंट कबीर नगर ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए
कन्नौज, इसको टूटला वाला चाहिए इस छात्र को। आप बड़ी ध्यान से भरिए, ठीक है, चॉइस फिलिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, उल्टा सीधा कॉलेज भर गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आपको हम लाइव चॉइस फिलिंग लेकर आए हैं। कैसी लाएँ? लाइव चॉइस फिलिंग, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए हम भी फौड़े आराम से इस बच्चे की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, सॉरी टूडला, इसको टूडले वाले में सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस छात्र को, अब देखिए जी हमारा है कि डियर कैंडिडेट, जो भी हमने चॉइस फिलिंग की वो आप सेव करना चाहेंगे? यस, हम सेव करना चाहेंगे। हमने देखिए टोटल सेव चॉइस 3 कर दिए, ठीक है। जैसे कि हमने कितनी चॉइस भर दी है? 3 चॉइस भर दी है। देखिए एक बार हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको। हमने आपको 3 चॉइस फिलिंग करके दिखा दिए। पहले पे इसने कंप्यूटर साइंस माना था आगरा मनखेड़ा में, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद लास्ट में हमको इसको सेव कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही देखो दिखा देगा आपको टोटल सेव चॉइस एंड सेविंग, इतने इतने टाइम पर हमने इसमें 3 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमको अपने होम पर चले जाना है। होम पर आ गए हम, होम पर, ठीक है। हमारी अब जैसे अवेलेबल चॉइस, ठीक है, चॉइस फिलिंग, अवेलेबल चॉइस कितनी कितनी अवेलेबल फिलिंग है जो हमारे दिखा देगा। देखो फिल्ड चॉइस कितनी भी हमारी चॉइस फिल्ड हुई हैं, देखिएगा। हमारी 3 चॉइस हमने फिल कर दी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना ये लॉग आउट कर देना है। इसके बाद हमको यह लॉग आउट कर देनी है अपनी साइट, ठीक है। जैसे कि हमने ये लॉग आउट कर दी, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जिस दिन फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उस दिन हम आपको वीडियो लेके आएंगे इसी स्टूडेंट की, जिसमें आपको दिखाएंगे इसको कौन सी ब्रांच मिली है या नहीं मिली है इसकी रैंक पर। हम किसी भी स्टूडेंट की आपको रैंक नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो लगी हो अच्छी तो आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाई है। थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन हमने आपको लाइव चॉइस फिलिंग कराई है, आपको क्या ऐसे क्या प्रोसेस करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग करानी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में बेस्ट ब्रांच सबसे केमिकल इंजीनियरिंग है। आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग 35,000 तक आपको मिल जाती है, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम जिस दिन अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, फिर हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, वीडियो के साथ। और एक दिन हम शेड्यूल भी बताएंगे आपको कि शेड्यूल में कौन से दिन क्या फिलिंग है, कितना क्या करना है आपको, क्या प्रोसेस है, फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।